के अंदर पूरे पौधे में जा सकता है और हफ्ते के अंदर पूरे बगीचे में फैल सकता है, महीने के अंदर पूरे एरिया में फैल सकता है। तो इससे जो नुकसान होता है, सारी बीमारियां जितनी आप दूसरी है उससे तो ऐसा है कि दाना बेचने लायक रहता है, इस बीमारी से आपका दाना बेचने लायक नहीं रहता। तो पूरे 12 महीने की जो मेहनत है वो जीरो हो जाती है। स्कैब रोग पहले इसमें एस्कोस्पोर्स होते हैं, जो बीज जिसको कहते हैं, वो बीज पत्ते में आता है, पत्ते के ऊपर जो है आपने जो धब्बे है ब्राउन कलर काले कलर के उभरे हुए जैसे लगते हैं, थोड़ा सा उभरा हुआ जैसा होगा इस तरह से। ये पत्ता अगर आप इस पे सिम्टम देखेंगे तो ये पत्ता भी तो प्लेन है सारा, और जब वो ब्राउन जैसा लगेगा तो थोड़ा यूं उभर जाएगा, उभर जाएगा। तो वो एस्कोस्पोर्स होते हैं बीज, वो बीज अगर आपने दवाई टाइम से नहीं डाली तो इतनी फास्ट बढ़ता है कि आपका पूरा बगीचा स्कैब से ग्रसित हो जाए। उसके बाद कुनिडिया होते हैं, दूसरा बीज, एक को एस्कोस्पोर कहते हैं, एक को कुनिडिया कहते हैं। कुनिडिया जो है फिर दाने के ऊपर आपके जो दाना होगा, जैसे अब जो कुनिडिया है ये स्कैब के ही ग्रसित है, और ये कुनिडिया इसके ऊपर लगता है तो और कुनिडिया से ये फैलने लग जाता है, उसके बाद ये अंदर को दबने लग जाता है। फिर अगर इसमें स्प्रे नहीं हुई तो ये इसकी शेप बिल्कुल जो अच्छी शेप हो रहती नहीं है, तो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो आप जब तुड़ान करेंगे तो उसमें एक तो टेढ़े मेढ़े शेप मिलेंगे, दूसरा काला दाना मिलेगा, फिर अगर वो काला दाना पेटी में गया तो पेटी पूरी की पूरी काली हो जाएगी। तो दिल्ली पहुंचते आपको किराया भी अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी बीमारी है। तो अब ये लगती क्यों है, ये एक जिस तरह से आदमी को बीमारियां लगती है वैसे ही ये भी बीमारी है, और इसके लगने के कारण नंबर वन है अप्रैल से लेकर के जून महीने में अगर बीच बीच में बारिश आए और बीच बीच में आपका धूप लगे तो ये इसका बीज बन जाता है। तो इस साल जो है 2019 में आपने देखा होगा अप्रैल से लेकर आज तक, अब जैसे कल भी बारिश आई है, बीच में बारिश आती है आज धूप हो जाती है, तो ये एक कारण है वातावरण का। और दूसरा ये है कि आप लोगों ने अब लगभग 10 साल से सिल्वर टिप पर डोडीन स्प्रे करना छोड़ दी, सिल्वर कली होती है, तो पे आ गए। तो अब जो आने वाले टाइम में इस वर्ष जो अगला 2020 जाएगा, सिल्वर टिप पे पूरे का पूरा गांव डोडीन करेगा, उसका बीज को वहीं खत्म करेगा। तो सिल्वर टिप पे अगर डोडीन हो जाती है और जून महीने बाकी बीच में आप स्कोर कर लो, आप कंटाफ कर लो, रोको कर लो, ये जो दवाइयां पतझड़ के लिए या दूसरी रोग के लिए और रोकथाम के लिए, लेकिन जून महीने में फिर से आपको डोडीन करना, जो आपका जून का महीना हुआ है ये उस समय 200 ग्राम होती है, अभी 150 ग्राम होती है। तो ये अगर इस तरह से दो डोडीन हो जाती है तो आपका ये स्कैब का रोग नहीं लगे। अगर लग गया है जैसे इस वक्त में भी अगर आपका 1-1.5% लगा है, जिसने डोडीन नहीं किया है वो डोडीन 150 ग्राम करे, और या फिर वो अपना कंटाफ वाला मैंकोजेब जो इंडोफिल बोलते हैं इनका कॉम्बिनेशन बना दे, स्कोर या कंटाफ बना दे, या हमारा टैबुकेनाजोल जो आप देख रहे हैं आप यूज कर रहे हैं जिसको यहाँ कैवियट के नाम से जानते हैं या दूसरे नाम से जानते हैं, तो टैबुकेनाजोल प्लस कैप्टान का भी एक स्प्रे शेड्यूल में रिकमेंडेड है जिसको शामिर कहते हैं, इस तरह की दवाई भी आप यूज कर सकते हैं इस स्टेज में। और उसके बाद आप 15 दिन के बाद जो दवाई आपने डोडीन की तो आप कंटाफ और इंडोफिल कर देना, अगर कंटाफ इंडोफिल किया तो आपको स्कोर और इंडोफिल कर देना, और उसके अगले 15 दिन के बाद आपने टैबुकेनाजोल प्लस कैप्टान वाला वो है वो कर देना, और लास्ट में तुलान से पहले कैप्टान 600 ग्राम। अगर इस तरह की एक्टिविटी आपकी रहती है तो ये स्कैब यही डंप हो जाएगा। दूसरा ये जैसे ही तुलान खत्म होगा आपने ब्लाइटॉक्स 600 ग्राम, यूरिया 2 किलो, जिंक 100 ग्राम, बोरोन 200 ग्राम जरूर डाल, क्योंकि ये स्पोर अगर कहीं से रह रहा होगा तो वहां ब्लाइटॉक्स जो है इसको खत्म करने में सक्षम होगा। उसके बाद जब आपके पत्ते झड़ने लग जाएंगे, 75% नीचे झड़ चुके होंगे, तो 10 किलो यूरिया आपने स्प्रे मार, और जो प्रगतिशील बागवान है वो क्या करते हैं, पत्ते सारे झड़ जाते हैं नीचे ही स्प्रे करते हैं, उसको नीचे जला देते हैं, क्योंकि 10 किलो यूरिया जो है पौधे पे भी कई बार हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं, कर लगते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा कर देना कि भाई जैसे झड़ गए तो स्प्रे बनाई 10 किलो और नीचे जितने पत्ते हैं सारे में आपने उसको जला दिया, और उससे अगर बच गए, खास करके महिलाएं, अगर आप लोगों को बगीचे में पत्तियां दिख गई उसको अंशु से इकट्ठे करके आपने एक गड्ढे में डालना, उसमें यूरिया डाल,
तो सड़ सुड़ के गोबर भी बन गया। तो इस तरह से आप इस स्कैब रोग से निजात पा सकते हैं। बाकी आप दुमरेड़ा जो गांव है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, मिट्टी बहुत बढ़िया है, और आप लोग ओला अवरोधक जाली की तरफ चले गए, ओला यहाँ पे आता जाता है, तो जिसने नहीं लगाई है वो आगे बढ़े। और विशेष करके आप लोग एकजुटता का पाठ दिखाएं, क्योंकि यहाँ आपको एक ही गांव के लोग हैं। अभी जितने लोग बचे हैं आप लोग, आप खास करके मेंबरान को स्पेशल ड्यूटी देता हूँ कि जो बच गया एक बारी घर में चले जाना यार, मतलब कैब लग गया दवाई कर दी, कोई भी बंदा है एक बारी, ये भी एक देखो कर्तव्य है, अगर कोई लग रहा है कि भाई ये तो ये करेगा नहीं, तो इसको बोल देना बोला यार देखो कर देना। सारे लोग स्प्रे करेंगे तो आपका मैनेज हो जाएगा, अगर एक भी बगीचा छूटा तो आपको हानिकारक। तो ये एक स्कैब रोग के बारे में थी, और हमारे उद्यान कृषि अधिकारी ईश्वर जी ने आज लगभग मेरे ख्याल में 20-30 बगीचे देख लिए, इससे ज्यादा बगीचे देख लिए, तो 40 तो आदमी आप लोग, तो 40 में से इन्होंने 90% बगीचे देख लिए। जिसके नहीं भी देख पाए हैं तो आप लोगों का ये कि भाई ये स्कैब दाने पे आप लोग पहचानते हैं, पत्ते पे पहचानते हैं, दवाइयों के बारे में आपको बोल दिया है। दवाइयाँ आप अभी विभाग में भी कोशिश है सरकार, हिमाचल सरकार की, कि भाई दवाइयाँ जल्द से जल्द आपको मुहैया कराएंगी। वैसे जो देवीदार का सेंटर है आप लोगों को इतनी कमी आई नहीं आई, आप लोग नहीं आ पाए होंगे तो अलग बात है, पर कमियां नहीं आने दी। तो इसके लिए मैं उद्यान प्रसार अधिकारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दी हूँ कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए जिन जो इनकी इच्छा थी कि भाई हम ऐसे एरिया में काम करें जो लोगों को जानकारी की जरूरत है, ये नावर क्षेत्र जहाँ इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे सेब बहुत काफी 1980 के दशक से करोड़ों के रूप में होता है, फिर भी इन्होंने गरीबों के लिए ये यहाँ आए और यहाँ के लोगों को अपना समय दिया, लोगों को समझाते हैं, दवाइयाँ देते हैं। तो बागवानी विभाग का ये रहता है कि हमारे जो बागवानी मंत्री जी है वो आजकल भले हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी है, सेक्रेटरीट में गठित की हुई कि डेली की डेली कौन आदमी कौन अधिकारी किस गांव गया और उस गांव में क्या बोला, और इसके बाद आपको जैसे जनमंच होता है ना, ऐसा जनमंच होगा कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि स्कैब कहाँ आया, आप लोग बोलेंगे आया था, आपने कंट्रोल किया, बोलो यहाँ कंट्रोल किया, कैसे किया कि बागवानी अधिकारी भी आए थे, आम लोगों भी, क्योंकि बागवानी अधिकारी तो आ जाए, हो सकता नहीं आ पाएंगे इसके बाद, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले एकजुटता का देखना है, चेतन रहना है, और आप इकट्ठे होंगे, और उसके बाद अगर हमारे लायक है हम दोबारा भी आएंगे, 10 बारी भी आएंगे, पर एक बारी यही था कि घर घर जाके आप लोगों को जगाना था, स्कैब आ गया है, इसको रोकना। तो मैं इन्हीं शब्द के साथ आप लोगों का, क्योंकि आज और कल 3 दिन का आपका समय का टाइम है, आप लोग जाइए, और एक चीज भूल गया था, क्योंकि आप लोगों ने गाय सपने रखती है और जिसके कारण अब लालच है कि बगीचे में आप घास काटना धीरे धीरे शुरू करते हैं, तो कृपया करके तौलिए में तो घास नहीं आने दें, ये तो बिल्कुल, और वैसे तो जैसे आप बगीचा देख रहे हैं बिल्कुल साफ कर दें, अगर बगीचा साफ होगा बीमारी कम आएगी। आप गाय हैं और आपके नेचुरली पशु के लिए चाहिए, तो उसके लिए खास करके ये करेगी तौलिए, अभी जुलाई का महीना है, अगर तौलिए में घास होगा तो आप बच नहीं पाएंगे, कैब आपका आ गया है, तो तौलिए से आप तुरंत जितने तौलिए हैं वो साफ कर दें। अगर ये गांव में एक महीने में इम्पैक्ट आता है तो आप लोगों को घूमने के लिए आप बाहर भी भेजेंगे कि भाई इस गांव ने इम्पैक्ट आया, कि भाई इन लोगों ने सुना और करा, आखिर तो पैसे आप लोगों को चाहिए, ठीक है, हम तो एक माध्यम है कि आप लोगों को जागरूकता के लिए, तभी ये मैं 10 दिन पहले जब आया था उस समय भी थोड़ा स्कैब का था, बगीचों में घूम के एक बार हवा बनाई कि भाई लोग, आप लोगों ने मेरे ख्याल में 90% लोगों ने स्प्रे भी कर दी है, कर चुके हैं, 10% लोग होंगे अगर वो भी करने के मूड में है कि भाई एक दो दिन में करने हैं, तो यंग जो ब्रिगेड है देखो आप लोग एक काम जरूर करो, शाम को हर घर में जाओ यार, बोलो दवाई करी कि नहीं करी, या नोट करो, चाहे बाल्टू जी देखो मेंबर जी यार, यंग लड़के सारे ही है, आप लोग देखो है ना, हाँ कमेटी जैसे बनाओ, एक है ना 5 लड़कों की कमेटी बनाओ कि भाई हम लोग जो है इस रोग को, ये एक ऐसा रोग है देखो, इस वक्त आप अगर देखे हमारे दुमरेड़ा में छोटे से छोटा बागवान जो है 3 लाख से लेकर 5 लाख का सेब पैदा करता है, और मैक्सिमम जो है काफी लोग जो है 15 लाख से 25 लाख के बीच में चलेंगे, अगर ये जीरो में हो जाएगा तो हमारा तो आना जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड वर्ग के बच्चे बाहर निकाल दिए,
घर बार बना रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा। और ये 10 साल लगेगी मैनेज करने में। अगर एक बार पूरे बगीचों में आ गया, आप 10 साल तक इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक शुरुआत है, और शुरुआती तौर पर आप मैनेज करेंगे तो फिर आपकी जीत होगी। तो इन्हीं शब्द के साथ आप लोगों का सबका धन्यवाद। आप लोगों ने सुना और हमें खुशी तभी होगी कि इसको अप्लाई करें। धन्यवाद।